मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट का ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 द नेबरहुड पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। हमको ये पिक्चर देखना और इसमें करेक्ट वर्ड पे सर्कल करना है। ये देखो, ये किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है। यहाँ पे सब लोग कुछ कुछ पोस्ट करने आए हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस है या हॉस्पिटल है? ये पोस्ट ऑफिस है। अब ये पिक्चर देखो, ये स्कूल है या पुलिस स्टेशन है? ये यहाँ पे ये देखो, ये क्या लिखा है? थाना लिखा है, इसलिए ये पुलिस स्टेशन हुआ। ये देखो, ये किस चीज़ की पिक्चर है? हॉस्पिटल है या मार्केट है? यहाँ पे ये डॉक्टर लोग दिखाई दे रहे हैं। ये ऑपरेशन थिएटर है, तो ये हॉस्पिटल हुआ। अभी पिक्चर में आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रेयर कर रहे हैं। तो ये फायर स्टेशन हुआ या स्कूल हुआ? ये स्कूल है। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। यानी जो एरिया, जो भी आसपास का एरिया हमारे घर के आसपास होता है, वो हमारा नेबरहुड कहलाता है, यानी हमारा आस पड़ोस कहलाता है। द पीपल हु लिव क्लोज टू आवर हाउस आर कॉल्ड आवर नेबर्स। और जो पीपल, यानी जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं, यानी जैसे आपके पास में जहाँ भी आप लोग रहते हो, वहाँ पे आपके घर के पड़ोस में सब लोग रहते होंगे, पड़ोसी लोग। तो पड़ोसियों को हम क्या कहेंगे? नेबर्स, यानी कि पड़ोसी। जो भी हमारे घर के पास रहता है वो हमारे पड़ोसी कहलाएगा। देयर आर मैनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप भी जहाँ रहते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी पास में शॉप्स होंगी, स्कूल होगी, मार्केट होंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें होती है। मार्केट, द प्लेस वेयर गो फॉर शॉपिंग इज मार्केट। वह जगह जहाँ पर हम शॉपिंग करने जाते हैं उसे हम मार्केट कहते हैं। A market has many shops of different food items and goods such as fruit, vegetable, grocery, garment, electrical appliance, etc. मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं। जैसे आप लोग खाने भी जाते हो, चाट वगैरह, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट आइटम्स लगे होते हैं। आप लोग मम्मी के साथ फ्रूट्स खरीदने जाते हो, वेजिटेबल लेने जाते हो, ग्रोसरीज लेने जाते हो, गारमेंट्स यानी कपड़े, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी जो भी इलेक्ट्रिकल सामान जो लगता है वो भी ख़रीदने जाते। तो वो सारी शॉप्स जहाँ पर होती हैं उसे हम मार्केट कहते हैं। ये देखो मार्केट की पिक्चर। नेक्स्ट है हॉस्पिटल, यानी कि अस्पताल। ये देखो, ये पिक्चर दिख रही है। यहाँ पे ये डॉक्टर लोग हैं और यहाँ पे पेशेंट हैं। तो ये किस चीज़ की पिक्चर है? हॉस्पिटल की। द प्लेस वेयर डॉक्टर एग्जामिन पेशेंट इज़ अ हॉस्पिटल। वह जगह जहाँ पर डॉक्टर लोग पेशेंट को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, उनका चेकअप करते हैं, उसे हम हॉस्पिटल कहते हैं। डॉक्टर गिव्स मेडिसिन टू पेशेंट। डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट को यानी कि मरीज को दवाई देते हैं। द नर्स टेक केयर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। और कभी कभी जैसे किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते, तो जो नर्स होती है वो पेशेंट की केयर करती है, यानी टाइम से उसको इंजेक्शन देती है, मेडिसिन देती है हॉस्पिटल में। अब नेक्स्ट है फायर स्टेशन। व्हेन देयर इज़ अ फायर वी इन्फॉर्म इन अ फायर स्टेशन। जब कहीं भी आग लग जाती है किसी भी घर में या कहीं भी, तो हम फायर स्टेशन में फ़ोन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। ये देखो, ये फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां हैं, तो हम यहाँ पे कॉल करते हैं। जब आग लग जाती है तो ये गाड़ियां आती है और आग बुझाती है पानी से। द फायर मैन कम विथ फायर इंजन्स एंड पुट आउट द फायर। और जो फायर मैन होते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं, वो आते हैं गाड़ी से और सारी आग को बुझाते हैं। अब इसके पोस्ट ऑफिस, यानी कि डाक खाना। द प्लेस फ्रॉम वेयर वी बाय स्टैम्प्स
पोस्ट कार्ड एंड सेंड मनी ऑर्डर इज अ पोस्ट ऑफिस, वह जगह जहाँ पर हम स्टैम्प्स और पोस्ट कार्ड और पैसे मनी ऑर्डर करते हैं उस जगह को हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं। अ पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एट द हाउस, और जो पोस्टमैन होता है वो हमारे घरों पर लेटर्स लेके आता है, पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करता है और हमारे घरों पर हमें लेटर देता है। ये जो पिक्चर है ये पोस्ट ऑफिस की पिक्चर है। और पहले के टाइम में क्या होता था, अभी तो वीडियो कॉल कर लेते हैं, मैसेजेस कर देते हैं, पहले के टाइम में एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए हम लोग लेटर लिखते थे, तो वो लेटर इस लेटर बॉक्स में डलता था। अब आजकल तो सिर्फ जो ज़रूरी पोस्ट होती है वही हम लोग इस चीज़ में पोस्ट करते हैं, पोस्ट ये से बोलते हैं पोस्ट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट है स्कूल। द प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग इज़ ए स्कूल, वह जगह जहाँ हम पढ़ाई करने और न्यू थिंग्स सीखने जाते हैं वो जगह होती है स्कूल। आप लोग भी स्कूल जाते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, ड्राइंग, गेम्स, पढ़ना और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़। ये देखो ये स्कूल का पिक्चर है, ये बच्चे लोग प्रेयर कर रहे हैं। द टीचर्स टीच अस इन द स्कूल, और स्कूल में हमें हमारी टीचर्स लोग पढ़ाती हैं, टीच करती हैं। प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल, और जो हमारा जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे स्कूल के हेड होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन। ये देखो ये बहुत सारे पुलिस बैठे हैं, है ना, ये पुलिस स्टेशन है। द प्लेस वेयर पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन वर्क इज अ पुलिस स्टेशन, जहाँ पर पुलिस मैन और पुलिस वुमन वर्क करती है उसे हम पुलिस स्टेशन कहते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम क्रिमिनल एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस मैन होते हैं ये लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं यानी हमें बचाते हैं क्रिमिनल से यानी कि अपराधियों से। अगर चोरी हो जाती है तो हम वहीं जाके कंप्लेन करते हैं, अगर किसी ने हमें मार दिया या कुछ भी प्रॉब्लम होती तो हम कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे कंप्लेन करते हैं और वो लोग मेंटेन करके रखते हैं लॉ यानी जो भी कानून है वो मेंटेन करके रखते हैं और हम हमारी चोरों से और क्रिमिनल से रक्षा करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है।